हमारा क्लब 1976 में एक्चुअली हमारी संस्था रजिस्टर हुई थी और हमारा क्लब 2 साल पहले बना था, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत पहले से खेल रहे हैं। बच्चे स्कूल कॉम्पिटिशन्स खेलते थे, SGFI खेलते थे, सुबह तो खेलते थे, लेकिन 2 साल पहले पहली छत्तीसगढ़ विमेंस लीग हुई थी जो कि 2020 में बेसिकली, और वो हम विनर्स थे। इस साल भी फिर से हम सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर में हम विनर्स हैं और जो प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे बस्तर से बिलोंग करते हैं जो कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, और जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे ट्राइबल्स हैं, मोस्टली ट्राइबल्स हैं, और सारे के सारे बच्चे अंडर 17 या मोस्टली अंडर 17 अंडर 19 हैं। हमारे आश्रम में जितने भी बच्चे आते हैं प्रैक्टिस करते हैं, हम किसी को मना नहीं करते खेलने से, और उनमें से जो बेस्ट होते हैं वो हमारी टीम के लिए खेलने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल कॉम्पिटिशन में आते हैं। यहाँ पर मैं श्री पद्मश्री धर्मसाल सैनी जी का भी नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि ये जो भी आश्रम है वो उन्हीं की मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। उन्होंने जो है जंगलों में जा जा के जो वहाँ पे रहते थे गांव वगैरह में, पेरेंट्स को जाके है ना पुश किया, क्योंकि वो लड़कियों को पढ़ाई के लिए भेजना नहीं चाहते। वो लोग जो हैं अपनी लड़कियों को जो लोकल घर का काम रहता है उसी में या जंगल में पानी वगैरह लाना है ना उस सब में ही इन्वॉल्व करना चाहते थे, मगर इन्होंने उनको समझाया कि नहीं, लड़की की जो एजुकेशन है, महिलाओं की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा घर का विकास होता है। और फिर उसके बाद उन्हें स्पोर्ट्स का भी उन्होंने क्योंकि हमारी लड़कियां 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर चलती हैं, कभी कभी पानी लेने जाना होता है, दूर जाना होता है, बहुत ही हार्ड लाइफ है, बहुत ही कठोर जीवन व्यतीत करती हैं, तो उन्हें समझ में आया कि अगर उनको स्पोर्ट्स में रुचि बढ़ाएं लड़कियों की तो फिर उससे भी उन्हें काफ़ी फायदा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ से मैराथन में काफ़ी लड़कियाँ गई हैं जो नेशनल लेवल पर मैराथन किया है, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, फिर उन्होंने ही जो फुटबॉल है 2013 में फुटबॉल भी इंट्रोड्यूस किया आश्रम में, और जो लोकल जैसे योगेश ने बताया कि लोकल सुब्रतो टूर्नामेंट खेलते थे, स्कूल टूर्नामेंट्स खेलते थे, तो वैसे ही उन्होंने जो है स्पोर्ट्स को भी काफ़ी बढ़ावा दिया। उनकी ट्रेनिंग जो थी वो धर्मपाल सैनी जी, पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी ने स्टार्ट करवाई थी। वो खुद फुटबॉल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने आसपास जितने भी लोग थे, जितने भी कोचेस थे, उनकी हेल्प ली और कोशिश करी कि जो टीम है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करे और अच्छा खेले। सुब्रतो में भी उन्होंने नेशनल लेवल पे क्वार्टर फाइनल्स में भी वो पहुंचे हैं, और अभी रिसेंटली हमने छत्तीसगढ़ विमेंस लीग 2 बार जीती, जैसा कि मैंने बताया पहले। जो कोचेस हैं वो कोचेस भी वहाँ पे नहीं थे, पहले बच्चे खुद ही प्रैक्टिस करते थे, तो गोयल ग्रुप ने आउटडोर फुटबॉल अकेडमी जो भुवनेश्वर में है उनको कॉन्टैक्ट किया, और हम कोचेज जो हैं हम आउटडोर फुटबॉल अकेडमी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने वहाँ पे जाके एज अ थर्ड पार्टी हमने वहाँ पे कोचिंग देना स्टार्ट किया है। तो ये प्रोजेक्ट लगभग 6 मंथ्स पहले स्टार्ट हुआ है, उससे पहले भी बच्चे खेल रहे थे लेकिन प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल रही थी, तो 6 महीने से एक रेगुलर प्रोग्राम चल रहा है, मॉर्निंग इवनिंग सेशंस होते हैं, सारे एज ग्रुप की ट्रेनिंग होती है, बट जो मेन कंसर्न है वो डाइट का है। जो बच्चे हैं उन्हें एथलीट की डाइट नहीं मिल पाती, एक नॉर्मल डाइट मिलती है, क्योंकि वो एक आश्रम है और आश्रम को मैनेज करना, वो भी जहाँ पे 300 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, सारे के सारे छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे धर्मपाल सैनी जी सिर्फ डोनेशंस या फिर गवर्नमेंट की हेल्प से उसे मैनेज कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उन बच्चों को एथलीट वाली डाइट देना। लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि हम अगर अच्छा खेलेंगे तो हमारे लिए हेल्प आएगी, जैसे गोयल ग्रुप आया है ऐसे हो सकता है हमें और भी सपोर्ट मिलेगा। और ऐसी ही दुविधाओं से जूझ जूझ कर ये लड़कियां जो हैं यहाँ तक पहुंची, और इसलिए देखिए कई बार अगर आप हमारी लड़कियों को देखेंगे तो आपको लगेगा वो छोटी सी हैं है ना, और थोड़ा शर्माती वगैरह हैं, पर जब आप उन्हें फील्ड पे खेलते हुए देखेंगे तो आपको ये दिखाएंगी कि जो हम उनकी जो नेवर से डाई एटीट्यूड है और जिस तरीके से वो मुसीबतों का सामना करते हुए यहाँ पे आई हैं, क्योंकि देखिए उनके परिवार में भी जो है हर एक का सपोर्ट नहीं होता है, उनकी सोसाइटी में भी जो है उतना सपोर्ट नहीं है कि लड़कियां जो हैं फुटबॉल खेल रही हैं है ना, और सबके आगे शॉर्ट्स वगैरह में खेलती हैं, तो ये सब उस कल्चर में जो है उतना ओपन नहीं, मगर वो सब जो है इन सब ख्यालों के अगेंस्ट लड़ती हुई यहाँ तक आई हैं,
और हमें उम्मीद है कि यही जो उनका व्यवहार है वो आपको फील्ड पे भी देखने को मिलेगा, कि हमारा जो नेवर से डाई एटीट्यूड है वो आपको फील्ड पे जरूर मिलेगा। देखिए, हमें सिर्फ फुटबॉल से प्यार है, हमारी लड़कियों को भी फुटबॉल से प्यार है और हमें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। हमारे अगेंस्ट कौन खेलता है उससे हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी हम जाते हैं हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पर्सनैलिटी है हम उसको दिखा सकें। अब जितनी बड़ी टीम होगी उतना हमें रोमांचक ज़्यादा है, उतना एक्साइटमेंट ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम गोकुलम जैसी टीम के साथ खेल रहे हैं जो कि अभी एशिया में खेल के आई हैं, सेतु एफसी के साथ खेल रहे हैं, इंडियन एरोज जहाँ पे की बेस्ट लड़कियाँ हैं वो खेल रही हैं, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है कि इसका मतलब है कि हमने अच्छे से मेहनत करी है और ये प्रतीक है इस बात का कि हम जो राह पे निकले हैं वो राह हमने सही चुनी। और सारी प्लेयर्स जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं, नर्वस कोई भी नहीं है क्योंकि सब एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कभी प्लेटफॉर्म उन्हें मिला नहीं है। वो आश्रम में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले बच्चे हैं जिन्हें कुछ फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो पहली बार अपनी जगह छोड़कर इतने सारे बच्चे एक साथ बाहर आए हैं, तो वह एंजॉय कर रहे हैं, सब एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा नए मैचेस खेलने के लिए, अच्छे ग्राउंड्स में खेलने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ग्राउंड्स बहुत कम हैं, अच्छे ग्राउंड्स बहुत कम हैं, या तो पत्थर वाले ग्राउंड्स हैं या रेत वाले ग्राउंड्स हैं, और ऐसे अच्छे ग्राउंड्स, ऐसी अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं हैं, तो सभी बहुत एक्साइटेड हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम टफ फाइट दें सभी अच्छी टीमों। बल्कि अगर हम देखें कि जो हमें यहाँ पे एसी रूम्स मिल रहे हैं, खाने के लिए इतना अच्छा मिल रहा है, ये सब उन लड़कियों को मिलता नहीं है ना। तो जब वो यहाँ पे आई हैं तो अगर आप देखें उन्हें समझ में आ रहा है कि वो जहाँ पे थी अगर वो वहाँ पे अच्छी मेहनत करेंगी है ना, तो उनको आगे ज़िंदगी में क्या क्या मिल सकता है। अगर वो ऐसे ही परिश्रम करती रहेंगी और अपने फुटबॉल को जो है अच्छे से अप्रोच करेंगी, अच्छे से डिसिप्लिन से करेंगी, तो उन्हें पता है कि उन्हें सक्सेस मिलेगी, और जब सक्सेस मिलेगी तो क्या क्या चीज़ें वो अचीव कर सकती हैं।